आप बताएं, आपके ख्याल में कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज है? सारी चोर बाजारी है। जो अगर किसी का कोई नाम लेता तो उसको कोई पकड़ के ले जाता है। मैं नाम लूंगा, मेरी शक्ल देख के मेरी आईडी निकाल लेंगे, मेरे घर पे छापा लगेगा। जो मुल्क के लिए बेहतर है ना, वो इमरान खान, वो इमरान खान ही है। हमें शौर्य अब आके आया कि जब इमरान खान वापस आया, इन्होंने वजीर आजम बनाया ना, उसके बाद हमें पता चला ही ये सियासत है क्या। मैं खुद नून लीग का अपना फाइनेंस सेक्रेटरी था पहले। मुझे सर ये बताएं कि आपके ख्याल में कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज है? सर असी तो ऐसा हक च कोई नहीं, तो कहने कोई अल्लाह का नेक बंदा ऐसा आवे कि जेड़ा कौन सा लगता हक में आ, बेशक नहीं है, लेकिन आपको कौन सा लगता है? मेरे नजर जैसे हम कोई भी नहीं, कोई नहीं। ठीक है सर, आपके ख्याल में कौन सा ऐसा सियासतदान है? नहीं, केड़ा सियासत? ठीक है जी, आप बताएं आपके ख्याल में कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसके परों में कुव्वत परवाज है? नहीं, कुव्वत परवाज अगर तो हमारे कहने से कुछ हो सकता है फिर तो हम कहें। कौन लगता है? चोर बाजारी नजर आ रही है हमें तो, क्या सारी चोर बाजारी है। सियासतदान जो है ना, जो अगर किसी का कोई नाम लेता तो उसको कोई पकड़ के ले जाता है। मैं नाम लूंगा, मेरी शक्ल देख के मेरी आईडी निकाल लेंगे, मेरे घर पे छापा लगेगा। मैं नाम ले लेता हूँ, इमरान अहमद खान याजी। हाँ बिल्कुल, उसका बनता है, वो कुव्वत परवाज है उसके परों में, उसका बनता है, राइट बनता है उसका। आसिफ साहब नहीं लगते आपको? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। आसिफ जरदारी साहब? नहीं, वो भी नहीं लगते। फजल रहमान? नहीं नहीं, वो खान ना, कोई भी नहीं लगता। जहांगीर तरीन? जो मुल्क के लिए बेहतर है ना, वो इमरान खान, वो इमरान खान ही है। पाकिस्तान को वही तरक्की की मंजिल पर लेके जा, वही लेके जा सकता है हमारा जो जेन। बाकी आप समझदार हैं, हमें जो नजर आ रहा है ना कि वो इमरान खान होता तो वो ज्यादा बेहतर था। तो इमरान खान चले नहीं है, उसके अलावा कौन सा ऑप्शन आपके पास? इमरान खान के अलावा अगर पीछे देखे ना इनको सब सियासतदानों को, तो ये अपना अपना ना वो क्या कहते हैं मंजन बेच रहे हैं, अपनी अपनी पड़ी हुई है इनको सबको। उनको अपनी नहीं पड़ी? नहीं, उनको मैं नहीं समझता कि अपनी पड़ी है, उनको आवाम की पड़ी। अगर अपनी पड़ी होती ना तो वो भी मुल्क से बाहर होते, इतनी पी काटने की जेलों में धक्के खाने की क्या जरूरत। इमरान खान साहब पर आपका दिल कब से आया हुआ? नहीं नहीं, मेरा दिल उन पे नहीं आया हुआ। हमें तो एक अच्छा सियासतदान चाहिए, वो इमरान खान ना हो, कोई और आ जाए, लेकिन वो ऐसा आना चाहिए जो तारीख में सिर्फ इमरान खान, आज की तारीख में वही है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई हो। इस वक्त आपका दिल उन पर आया हुआ, आपको लगते हैं ये बेहतर है इमरान खान? मुझे लगता है कि वो बेहतर है। पहले आप कौन से सियासतदान, कौन से लीडर आपको, सियासी रहनुमा आपको बेहतर लगते थे? नहीं, पहले तो हमें इतना पता ही नहीं था, ये समझ लें कि इमरान साहब नहीं थे लगते आप? नहीं, मेरी बात सुने, पहले तो हमें पता ही नहीं था। हमें शौर्य अब आके आया कि जब इमरान खान वापिस आया, इन्होंने वजीर आजम बनाया ना, उसके बाद हमें पता चला ही ये सियासत है क्या। मैं खुद नून लीग का अपना फाइनेंस सेक्रेटरी था पहले, ठीक है, रक्षा मैंने अभी लिया, तो मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था नून लीग का, लेकिन सियासत का मुझे बिल्कुल पता नहीं था। जब इमरान खान आया, सोशल मीडिया आम हुई है, तो कुछ समझ आई है बात की कि सियासत है क्या, ये मुल्क को कैसे बचाना है, किसने बचाना है। तो ये जेन मानता कि इमरान खान को होना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब ने आपको ये नहीं बताया कि मुल्क को कैसे बचाना, आपको सियासत के हवाले से आपको शौर नहीं दिया नवाज शरीफ साहब ने क्या? नहीं नहीं, वो नहीं आपके सामने ही है, कोई किसी ने बताई नहीं कोई चीज। नवाज शरीफ साहब के ये जो काम है, सड़कें, पुल, रोड, ये चीजें आपको मुतासिर नहीं कर सकते? हम भूखे मर रहे हैं, सुबह से मैं 8 बजे का खड़ा हुआ हूँ, 400 रुपया मैंने पकड़ा है और तकरीबन 500 की गैस लग गई है मेरी, मैं पुलों को खाऊंगा हांडी में बना के। बात तो ये है कि अगर मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरे बच्चे मर रहे हैं, अगर कल को मेरी डेथ हो जाती है तो बच्चे मेरे क्या करेंगे, वो ये पुलों पे घीसियां लेंगे, क्या करेंगे पुलों पे। साहब ने आपके ख्याल में फलाही रियासत नहीं बनाई? नहीं, मुझे नहीं लगता फलाही रियासत बनाई हो। इमरान खान साहब ने जो 4.25 साल हुकूमत किया, उसमें आपके कारोबार कैसा था, आपके हालात कैसे थे? नहीं, हालात तो उसमें भी टाइट थे, लेकिन जब उनको उतारा गया ना, कारोबार ठीक हो रहे थे, कारोबार ठीक हो रहे थे, और उसी वक्त उन्होंने उसको उतार दिया। उतारने के बाद फिर भूखे मरने शुरू हो गए। ये पुल वगैरह बनाया, ये बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, ये बहुत अच्छा काम किया है, इसके बगैर भी गुजारा नहीं था, लेकिन पहले अवाम का सोचना चाहिए था। आपको पता कि इन पुलों, सड़कों और ये मेट्रो ऑरेंज वगैरह से मुल्की खजाने को कितना नुकसान हो रहा है? बहुत, मुझे पता है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन लोग जो है ना, जिनको पता नहीं है, वो 20 रुपए 30 रुपए में सफर करते हैं, वो कहते हैं ये अच्छा किया इन्होंने। लेकिन नहीं पता, आप कैमरे में देखे उनको बताएं। नहीं, उनको पता होना चाहिए कि अगर ये 30 रुपए में सफर करते हैं तो ये इतना सफर है बत्ती चौक तक, ये 30 रुपए में वारा खाता है, ये वारा ही नहीं खाता। उनको सोचना चाहिए कि ये वारा नहीं खाता तो क्यों नहीं खाता, अगर खाता है तो कैसे खाता है, ये खाता नहीं है ना।
अगर वारा खाता है उनको 30 दे के सफर करते हैं। आज की आवाम ये सोचती है कि चीज सस्ती मिलनी चाहिए, उसकी वजह नहीं मालूम करती या क्यों मिल रही है। ठीक हो गया सर, आपके ख्याल में इमरान अहमद खान नियाज़ी वाहिद लीडर हैं, वाहिद सियासी रहनुमा हैं जिनके परों में कुव्वत परवाज है? हाँ जी, बाकी सब चोर है, बाकी सब चोर है। नाज़रीन, शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी है। शहरी कहते हैं कि इमरान अहमद खान नियाज़ी वो वाहिद सियासी रहनुमा हैं जिनके परों में कुव्वत परवाज है। आपके ख्याल में कौन से ऐसे सियासी रहनुमा हैं जिनके परों में कुव्वत परवाज है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।